अक्सर इंश्योरेंस एडवाइजर्स की यह शिकायत होती है कि उनका कंपटीशन म्यूचुअल फंड के एडवाइजर्स के साथ हमेशा होता है। अक्सर उनका कंपटीशन म्यूचुअल फंड के एडवाइजर्स के साथ होता है क्योंकि जब भी LIC में इन्वेस्टमेंट की बात होती है और जब रिटर्न की बात होती है, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर लोग जो हैं वो रिटर्न को देखते हैं, वो इंश्योरेंस कवरेज को नहीं देखते। और हमारे अधिकतर इंश्योरेंस एडवाइजर्स इस कॉन्सेप्ट को समझा नहीं पाते कि इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट अलग होता है और म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट अलग होता है। यदि आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अपने फैमिली के सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं, तो म्यूचुअल फंड से बेटर LIC में इन्वेस्टमेंट करना होता है। लेकिन आज हम उस तरफ नहीं जाते हैं। आज फाइनटेक गाइड आपको यह बताने जा रही है कि किस प्रकार से आप उसको काउंटर करेंगे। यदि आपका इन्वेस्टमेंट, यदि इंश्योरेंस एडवाइजर का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड की तरफ SIP की शक्ल में या FD की शक्ल में चल जाता है, तो आप इसके लिए कैसे और कौन सा प्लान देंगे और किस तरह से आप उसको काउंटर करेंगे, और यहां तक कि उससे अधिक बढ़िया इंश्योरेंस कवरेज और उससे बढ़िया रिटर्न आप कस्टमर को दे सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि फाइनटेक गाइड एक कंप्लीट चैनल है आपके लिए, क्योंकि इसमें टेक्निकल और ट्रेनिंग वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, CLI से रिलेटेड वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर ऑल IRDAI और कंपनियों के लेटेस्ट अपडेट्स को अपलोड की जाती हैं। साथ ही प्लान डिटेल्स को भी नए अंदाज में अपलोड की जाती है। तो ये आपके लिए कंप्लीट चैनल है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसको बेल आइकन को आप ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से, फ्यूचर प्रेडिक्शन के हिसाब से दी जाती है। यानी पास्ट में जो परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड का, जो फंड जिस तरह का परफॉर्म पास्ट में किया है, फ्यूचर में इसी तरह का परफॉर्म करने वाला है, उसी हिसाब से प्रेडिक्शन लगाया जाता है कि फ्यूचर में क्या परफॉर्मेंस हो सकता है, कितना रिटर्न इसमें मिल सकता है, क्या परसेंटेज ऑफ रिटर्न रहेंगे। ये सारे प्रेडिक्शन पर आधारित होते हैं। इसके लिए कोई फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। कोई नहीं कह सकता कि इसमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन एक अंदाज़ा लगाया जाता है पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से कि फ्यूचर में क्या मिलने वाला है, म्यूचुअल फंड का कौन सा फंड क्या रिटर्न देगा। ये एक अनुमान लगाया जाता है, एक प्रेडिक्शन किया जाता है, और अक्सर इस तरह के रिटर्न मिलते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है और जो सेंसेक्स है और निफ्टी है आने वाले समय में बहुत अधिक ग्रो करेगी और लगातार ग्रो कर रही है। आप पास्ट परफॉर्मेंस देखें, उसके बाद जो लगातार हर साल, दो साल, तीन साल पे जिस तरह से ग्रोथ होती है मार्केट में, कभी कभी बीच में मंदी आती है फिर उसके बाद ग्रोथ होती है। तो ये पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से फ्यूचर प्रेडिक्शन लगाना आसान होता है, लेकिन कोई भी यह नहीं कह सकता कि गारंटीड इतने परसेंट आपको रिटर्न मिलेंगे। तो इसी कारण आप सबसे पहले अपने LIC के वेबसाइट पर जाएंगे, और LIC के वेबसाइट पर जाने के बाद आप वहां से NAV को, कस्टमर्स को दिखाएंगे। आप गूगल पर जाएं और गूगल पर जाने के बाद लिखें LIC NAV। ये देखिए एरो मार्क से दिखाई जा रही है, आप यहां पर लिखेंगे LIC NAV या फिर LIC Plan NAV। जैसे ही आप लिखेंगे LIC NAV तो सबसे ऊपर आपको देखें LIC Plan NAV लिखी हुई आ गई। आप वो LIC Plan NAV को टच करेंगे, उसके बाद LIC के वेबसाइट पर जाएंगे और LIC की जितनी भी यूलिप प्लान्स हैं जो शेयर मार्केट से रिलेटेड होते हैं, उन यूलिप प्लान्स की वैल्यूज़ यहां पर आ जाएंगी। अगर ये इस तरह की फुल पेज ना खुले तो आप यहां पर राइट साइड में देखिए 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, यहां पर आप टच करेंगे, और टच करने के बाद यहां पर नीचे आ करके इसको आप डेस्कटॉप में कन्वर्ट कर देंगे। जब डेस्कटॉप में कन्वर्ट करेंगे तो ये फिर फुल पेज आ जाएगी। कभी कभी मोबाइल पेज के हिसाब से ये फुल पेज नहीं आती है, तो जब इसको डेस्कटॉप में कन्वर्ट करेंगे तो ये फुल पेज आ जाएगी। उसके बाद आप इसको देख सकते हैं फुल पेज को। अब यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ देखिए बहुत सारे वैल्यूज़ यहाँ आपको दिखाई जा रही हैं, फ्यूचर प्लस, जीवन प्लस। अब यहाँ पे देखिए फ्यूचर प्लस जो है इसकी लॉन्चिंग डेट यहाँ पे क्या है वो आप देखिए, थोड़ा इसको क्लियर करते हैं। ये देखिए फ्यूचर प्लस 172 नंबर टेबल, फ्यूचर प्लस इसकी लॉन्चिंग डेट क्या है देखिए 4/3/2005, यानी कि ये 18 साल और लगभग 6 महीने, 18.5 साल इसके गुजर चुके हैं। अब इसकी वैल्यू आप देखिए, जब ₹10 इसकी NAV थी उसके बाद इसकी प्रेजेंट NAV क्या है वो आप देख लीजिए। तो इसके ग्रोथ फंड की प्रेजेंट NAV 67.2 है, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि 7 गुना के आसपास है, 7 टाइम्स। यानी कि जिसने ₹1,00,000 रखा था लगभग उसका अभी ₹7,00,000 के आसपास वैल्यू बन चुकी है। 18 सालों में लगभग 7 गुना इसकी वैल्यू बन चुकी है। तो इस प्रकार से एक पास्ट परफॉर्मेंस है एक यूलिप प्लान का, LIC की जो यूलिप प्लान है इसका एक पास्ट परफॉर्मेंस है। तो इस तरह से फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आने वाले समय में कितना ग्रोथ होगा।
ये देखिए जीवन प्लस 61 नैब है उसकी, 10 की 61 हो चुकी है। उसी तरह से आप सभी की देख सकते हैं अलग अलग प्लान की कब लॉन्च हुई थी और उसकी जो 10 नैब थी आज उसकी प्रेजेंट नैब कितनी है, कितनी वैल्यू बन चुकी है वो आप आसानी से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे नीचे आप LIC निवेश प्लस, आप यहाँ निवेश प्लस को देखिए 849 नंबर टेबल, इसके ग्रोथ फंड को देखते हैं। ये देखिए ग्रोथ फंड लॉन्च हुई थी 2 मार्च 2020 को, यानी कि लगभग 3.5 साल गुजर चुके हैं और 10 रुपए की वैल्यू 17 रुपए हो चुकी है, यानी कि 1.7 गुना हो चुकी है, 10 रुपए की 17 रुपए, यानी कि अगर 1 लाख रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया था तो लगभग उसका 1,70,000 रुपया हो चुका है। इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने वर्षों में ये डबल होगी, कितने वर्षों में 3 गुना होगी और कितने वर्षों में 4 गुना होगी। तो इस तरह से पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से आप एक फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो ये ग्रोथ म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा ग्रोथ है। यूनिट प्लान चूंकि ये 5 वर्षों के लिए इसके यूनिट लॉक रहते हैं और इसके जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो उसको सही जगह इन्वेस्ट करके अच्छी इनकम कमा सकते हैं। तो इस कारण इसमें जो A1 क्लास बढ़िया फंड मैनेजर्स होते हैं जो इन फंड को मैनेज करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस तरह से अधिक प्रॉफिट कमानी है, तो फंड मैनेजर्स अपना काम करते हैं और अधिक से अधिक ग्रोथ कमा कर कस्टमर्स को देते हैं। तो ये पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से एक फ्यूचर प्रेडिक्शन लगाया जा सकता है। कुछ प्लान्स में पास्ट में कम रिटर्न मिले हैं लेकिन उसके बहुत सारे कारण थे, उस पर बात नहीं करते हैं, लेकिन जो इस तरह के जो भी प्लान्स अभी चल रहे हैं इस पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से आप फ्यूचर प्रेडिक्शन दे सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि यदि निवेश प्लस जो कि अभी एक बढ़िया प्लान यूलिप प्लान LIC का चल रहा है उसका, उसमें अगर आप FD डालते हैं जिसकी आप प्रेजेंट वैल्यू दिखा सकते हैं, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख रुपये का 1,70,000 हो चुका है, 5 वर्षों के लिए लॉक इन होता है, 5 वर्षों के बाद आप जब चाहें उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, फुल अमाउंट उठा सकते हैं विदाउट एनी चार्ज। तो आप इसका एक प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 1 लाख रुपये रखता है तो लगभग आप अभी तो जो वैल्यू है उस हिसाब से 5 से 6 सालों में डबल हो जाएंगे, लेकिन आप कम से कम 9 साल में डबल कह सकते हैं। तो 9 साल में आपका 1 लाख का 2 लाख रुपया, यदि आप उसको 15 वर्षों के लिए छोड़ते हैं तो फिर वो 2 लाख 4 लाख बन जाएगा, यानी 1 लाख का 4 लाख रुपया। फिर यदि आप उसको और 5 साल छोड़ते हैं 20 साल में तो वो आपका 8 लाख बनेगा। फिर उसको आप 25 या 26 साल छोड़ते हैं तो फिर वो 16 लाख बनेगा। तो इस तरह से एक FD आप अगर यूलिप के निवेश प्लस में डालते हैं तो ये आपको एक अच्छा रिटर्न देगा जो कि म्यूचुअल फंड को काउंटर करने के लिए सबसे बेस्ट प्लान है। और इसी तरह का जो बेस्ट प्लान है जो म्यूचुअल फंड के SIP को काउंटर कर सकता है और इसी तरह के रिटर्न मिल सकते हैं उसमें, वो है SIIP, LIC का SIIP जो म्यूचुअल फंड के SIP को काउंटर कर सकता है। तो इन दो प्लान्स पर आप अच्छी से मेहनत करें, ट्रेनिंग लें और उसके बारे में डिटेल्स सीखें और आप फिर जब फील्ड में जाएंगे तो आप रेगुलर प्लान भी बेच पाएंगे। आपके जो ट्रेडिशनल प्लान्स हैं, एंडोमेंट प्लान्स हैं, टर्म इंश्योरेंस प्लान्स हैं जो LIC के, जो कि कस्टमर्स को हमेशा उसकी ज़रूरत होती है, आप उसकी कैटेगरी के हिसाब से, कस्टमर्स की कैटेगरी के हिसाब से जिनको रिटर्न चाहिए फिर उनको आप एंडोमेंट प्लान दे सकते हैं, जो थोड़ा गरीब लोग हैं, जो थोड़े अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जिनको टर्म इंश्योरेंस चाहिए उनको आप टर्म इंश्योरेंस दे सकते हैं। लेकिन जिनको रिटर्न चाहिए कि नहीं भाई मुझे म्यूचुअल फंड में अच्छी रिटर्न मिलती है, तो फिर आप उनको काउंटर कर सकते हैं इन दो प्लान से, निवेश प्लस और SIIP। और मार्केट में आप अवेलेबल रहेंगे, आप अच्छी रिटर्न देने के लिए भी तैयार रहेंगे, अच्छा इंश्योरेंस देने के लिए भी तैयार रहेंगे और कस्टमर्स के फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए तैयार रहेंगे। तो आप अपने आप को तैयार करें कि किस तरह से आपको काउंटर करना है मार्केट में, अपने आप को ग्रो करना है और अपनी एक पहचान बनानी है, और इसमें फाइनटेक गाइड हमेशा आपकी सहायता करेगी। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।